दोस्तों आप भी करते हो बहुत ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या यूपीआई ट्रांजेक्शन, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं कि अगर आप ये सब ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसका इनकम टैक्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं आशा करूंगा कि वीडियो आप एंड तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल एप्स यूज कर रहे हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इन सब हम एप्स को यूज कर रहे हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए या फिर मैं कह सकता हूं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। लेकिन दोस्तों हमें यह नहीं पता कि हम इतनी सारी ट्रांजेक्शन कर तो रहे हैं कि उनका इंपैक्ट क्या होने जा रहा है इनकम टैक्स में, या फिर मैं कह सकता हूं जीएसटी का क्या इंपैक्ट हो सकता है उनके ऊपर। आज के टाइम में हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस क्या कर रहे हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड इजिली कर लेते हैं और फिर हम उसको स्टार्ट यूज करना कर देते हैं कि हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, हमें कोई भी यूपीआई या फिर हमें पर्सनल अकाउंट से किसी और बिजनेस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो दोस्तों यहां पे मुद्दा सारा क्या आता है कि मुद्दा ये आता है कि जो भी सेंडर है, जो भी पर्सन यहां से एक पेमेंट कर रहा है दूसरे पर्सन को, यानी कि सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो तो अपने यहां से एंट्री कर देगा, क्योंकि उसकी बुक्स में क्या होगा, उसके बैंक में क्या होगा, वो जो एंट्री है वो डेबिट हो जाएगी। तो डेबिट को तो वो अपने यहां पे क्या दिखा सकता है, एज अ खर्चा दिखा सकता है। लेकिन मुद्दा यहां पे आता है जो पर्सन पैसा रिसीव कर रहा है, जो पैसा जिसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो उसके लिए वो इनकम ना मानी जाए। तो गाइस अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो यूपीआई में, क्योंकि ऑब्वियसली क्या हो गया है, पिछले दो सालों से देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद से ही मार्केट में ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स का यूज हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस ज्यादा हो रही हैं। आप कहीं भी आज के टाइम में चले जाओ, आप इवन सब्जी वाले के पास भी जाओगे तो वो उसको भी क्या कर सकते हो, आप पेटीएम कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो। एक देखा जाए तो बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए। लेकिन यहां पे दोस्तों मेरा बस कहने का मकसद यह है कि आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपके पास जो पैसा क्रेडिट हो रहा है वो कहां से आ रहा है और वो कहां जा रहा है, यानी कि आपके पास जो पैसा रिसीव हुआ क्या वो आपकी इनकम का पार्ट तो नहीं है, या पैसा जो आप जा रहा है, जो आप उसको पैसे को पे कर रहे हो, वो आपका एक्सपेंस का पार्ट है या नहीं है। तो गाइस ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके अंदर मैं दो चीजें यहां पे ऐड करना चाहूंगा, पहले तो जो आप सेविंग अकाउंट को आप यूज करते हो अपने यूपीआई में, और दूसरा आप बिजनेस अकाउंट को यूज कर रहे हो यूपीआई में। चलो मैं बात करता हूं सेविंग अकाउंट को। ऑब्वियसली आप सेविंग अकाउंट को अपने किसके पर्पस के यूज करोगे, पर्सनल खर्चों के लिए यूज करोगे या पर्सनल इनकम, आपको कोई सैलरी इनकम है तो आपके सेविंग अकाउंट में आएगी। लेकिन यहां पे दोस्तों पॉइंट दूसरा क्या आता है कि जब वही सेविंग अकाउंट, जिनका लोग का सेविंग अकाउंट है, वो क्या करते हैं मल्टीपल ट्रांजेक्शन करनी आपके अकाउंट में चालू कर देते हैं। मान लो कोई पर्सन की 10 लाख रुपए सैलरी है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट क्या आ गया, 10 लाख की सैलरी आ गई। अब उसने कोई भी यूपीआई पेमेंट करी, कोई भी गूगल पे के थ्रू करी है, कोई भी ऐप के थ्रू उसने यूपीआई किसी को ट्रांसफर करा, तो यहां पे तो उसको क्या चेक कर सकते हैं कि ऑब्वियसली उसकी 10 लाख रुपए की सैलरी आई है तो उसमें से उसने खर्चा करा है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं उन लोगों के जो कि अपना बिजनेस अकाउंट यूज करते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए, यानी कि उन्होंने क्या कर लिया है, अपना पेटीएम में उस अकाउंट को ऐड कर लिया है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन में वो कर रहे हैं। आइडली देखा जाए तो आपको अपने बिजनेस अकाउंट से अपने पर्सनल खर्चों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने वो सेविंग अकाउंट यूज करना है। जो आप खर्चा कर रहे हो या जो भी आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उन सब का आपके पास लिखित होना चाहिए कि वो पैसा आया कहां से और पैसा गया कहां पे है, क्योंकि ये सब चीजें हमारी इनकम टैक्स रिटर्न से जस्टिफाई होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि यूपीआई लिमिट बेसिकली कितनी होती है। तो दोस्तों ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, जैसे कि आप कोई भी बैंक अपने पेटीएम अकाउंट में ऐड कर रहे हो, फोन पे या गूगल पे ऐड कर रहे हो, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद आपका अगर मान लो सेविंग अकाउंट है तो वो रोक देता है कि आप 50,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपके बैंक के यूपीआई लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बेसिकली पॉइंट ये है कि जब भी आप इतनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहीं कर सकते, आप जितना मर्जी अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, लेकिन द कंसर्न इज दैट कि आपको उन सब ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए कि भाई मेरे पास जो क्रेडिट में पैसा आया है क्या मेरी इनकम तो नहीं है, या पैसा जो गया है क्या मेरा वो खर्चा है, अगर खर्चा है तो किस तरह का आपका खर्चा है। तो दोस्तों ये आपने पूरा ध्यान रखना है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी ऐप के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, चाहे वो पेटीएम पे कर रहे हो, चाहे आप अपना गूगल पे कर रहे हो, या फिर आप फोन पे कर रहे हो, तो वहां पे भी आपका क्या मांगता है, वो जो ऐप है वो आपसे ई केवाईसी करने के लिए बोलता है, यानी कि आपको वहां पे अपने केवाईसी जो वेरिफिकेशन है वो करनी होती है, जो कि ऑब्वियसली आपके किसके बेसिस पे होती है, आपके पैन कार्ड के बेसिस पे, आपके आधार कार्ड के बेसिस पे, आपके मोबाइल नंबर के बेसिस पे। तो दोस्तों सीधा सीधा जो इसका लिंक है हमारा किसके साथ है, हमारे बैंक अकाउंट के साथ है, क्योंकि बैंक में भी आपने ई केवाईसी कर रखी है, बैंक के अंदर भी केवाईसी कर रखी है, और आपके जो ये ऐप्स है इनके अंदर भी केवाईसी होती है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो सब गवर्नमेंट के अंडर आप कर रहे हो, गवर्नमेंट की निगरानी में आप कर रहे हो। तो गाइस ये आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप पैसा रिसीव कर रहे हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसको जरूर दिखाएं।
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से लिए कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशंस है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर उसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे लाल बटन है उसको दबाएं, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।